हरियाणा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोनीपत में शुक्रवार को 6 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब सोनीपत में 31 तो पानीपत के 6 और फरीदाबाद का एक मामला मिलाकर पिछले 4 दिन में सूबे में मरने वालों की कुल संख्या 38 हो चली है। उधर इन मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस मामले में खुद डिप्टी कमिश्नर ने व्यवस्था की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को उनके दिशा निर्देश में पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और मोहाना थाना प्रभारी के अलावा मोहाना थाना बीट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि जिले के गांव गुमड़ में नकली शराब के सेवन से 7 लोगों की हालत बिगड़ी थी। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है तो 3 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब आज से नहीं बहुत समय से बेची जा रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़कर छोड़ देती है। पूरे मामले में गन्नौर डीएसपी जोगिंद्र राठी का कहना है कि 5 लोगों की मौत गुमड़ गांव में हुई है, जिनमें से 4 के परिजन ने बताया है कि मौतें शराब की वजह से हुई है। 2 का दाह संस्कार कर दिया गया है, वही 2 के शवों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। यहाँ पे हमने पूरी सोनीपत पुलिस की जितने भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ हैं, सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIR रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन और खरकुद्दा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है, और जो पूरी इस जहरीली शराब के सेवन के साथ जिन लोगों की डेथ हुई है, उसमें कुछ जो बातें सामने आई हैं कि एक इसका मेन सोर्स शुगर मिल के पास, जहाँ पे हनुमान नगर में काफ़ी मतलब कि लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, और दूसरा जो गोहाना रोड के ऊपर इंडियन कॉलोनी और जो शास्त्री कॉलोनी और मयूर विहार से इंफॉर्मेशन आई है। हमने उनको लोगों से पूछताछ की कि उन्होंने कहाँ से शराब ली थी। उसमें प्राइमरीली ये आया कि जो हनुमान नगर वाले हैं, उन्होंने मिल के पुरखास गेट के सामने एक दुकान से शराब ली थी। उसके अंदर हमने रौनक नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि वहाँ पे अवैध शराब बेचता था। उसके साथ ही हमने जो उसको दारू उपलब्ध करवाता था, खत्री हेमंत खत्री, उसको गिरफ्तार किया है। और उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि वो दारू एक ठेके से लेते थे, जिस ठेके को हप्पू नाम का एक ठेकेदार चलाता था। हमने आज हप्पू को भी गिरफ्तार हम कर चुके हैं, और उसके साथ जो और उसके पार्टनर्स हैं, जो अनऑफिशियल पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ़ अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉलोनी के अंदर जो शराब के सेवन से जिनकी डेथ हुई, उस कड़ी को जोड़ते हुए हमने मोहाना के अंदर रेड की थी पहले ही दिन, और वहाँ पे हमें भारी मात्रा में केमिकल्स और बॉटलिंग मशीन्स वहाँ पर बरामद हुई थी, जिनको जब्त करते हुए उनके प्रेमिसेस का मालिक जो कि विजय एक टीचर है, उसको अरेस्ट किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.